दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम कांस्य युग के प्राचीन इजराइल और यहूदियों के इतिहास की बात करेंगे ताकि आज के मुद्दे को बेहतर ढंग से समझा जा सके। इस एपिसोड में मैं घटनाओं की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस श्रृंखला को देखने के बाद आपको इजराइल के इतिहास के लिए कोई और अन्य वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। चूँकि इजराइल का एक बहुत लंबा इतिहास है, इसलिए इस विषय को एपिसोड्स में विभाजित किया जाएगा। इजराइल मध्य पूर्व में एक छोटा सा देश है जो भूमध्य सागर की पूर्वी तट पर स्थित है और इसकी सीमा मिस्र, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया से लगती है। इजराइल राष्ट्र, जिसकी आबादी 9 मिलियन से अधिक है, उनमें से अधिकांश यहूदी हैं, में कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक और धार्मिक स्थल हैं जिन्हें यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों द्वारा समान रूप से पवित्र माना जाता है, और शांति और संघर्ष की इस अवधि में इसका एक जटिल इतिहास है। इजराइल की कहानी 1,25,000 वर्ष पूर्व प्राचीन मनुष्यों के अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से अन्य महाद्वीपों में जमीनी मार्ग से प्रवास से शुरू होती है। आधुनिक इजराइल के क्षेत्र में प्रारंभिक मनुष्यों का सबसे पुराना साक्ष्य 1.5 लाख वर्ष पहले का है, जो गलीली सागर के पास उबेदिया में एहस्कूल नामक गुफा में पाया गया है। ईरान में ऐसे औजार और उपकरण की कलाकृतियां पाई गई हैं जो अफ्रीका के बाहर कहीं भी पाए गए सबसे पुराने पत्थर के उपकरण हैं। इजराइल में गेसर बेनोट आर्कियोलॉजिकल साइट पर 1.4 मिलियन वर्ष पुराने इकेलियन औजार मिले हैं। एल तबून और एस स्कूल माउंट कार्मेल क्षेत्र में नियंडरथाल और प्रारंभिक आधुनिक मानव अवशेष पाए गए हैं, जो इस क्षेत्र में सबसे लंबे स्ट्रेटिग्राफिक रिकॉर्ड हैं, जिसमें निचले पुरापाषाण काल से लेकर आज तक 6 लाख वर्षों की मानव गतिविधियां शामिल हैं, जो मोटे तौर पर 10 लाख वर्ष के मानव विकास को दर्शाती हैं। इजराइल में अन्य उल्लेखनीय पुरापाषाण स्थलों में क्यूसेम और मनोट गुफाएं शामिल हैं। अफ्रीका के बाहर पाए जाने वाले शारीरिक रूप से आधुनिक मनुष्यों के सबसे पुराने जीवाश्म स्कूल और कैफजे होमिनिड हैं, जो 1,20,000 साल पहले उत्तरी इजराइल में रहते थे। लगभग 10वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व नेटिफियन संस्कृति इस क्षेत्र में रहती थी। नेटिफियन संस्कृति में ज़्यादातर लोग शिकारी और संग्रह करने वाले थे, जो लगभग 15,000 से 11,000 साल पहले इजराइल, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में रहते थे। आइए अब इजराइल के 2000 से 1050 ईसा पूर्व तक के इतिहास की बात करते हैं। यहूदी कुल पिता इब्राहिम का जन्म 2100 ईसा पूर्व के आसपास बेबीलोन के शहर उर इराक में हुआ था। 2000 ईसा पूर्व में इब्राहिम को ईश्वर द्वारा इजराइल की भूमि का वादा किया गया था और उन्होंने इराक से लेकर के मिस्र तक की यात्रा की थी। यहूदियों के कुल पिताओं इब्राहिम, उनके पुत्र इजहाक और इजहाक के पुत्र याकूब, जिसे इजराइल भी कहा जाता है, इजराइलियों के पूर्वज हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल के दौरान और उसके बाद हिब्रू धर्म ग्रंथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोगों या जनजातीय संघ के रूप में इजराइल का सबसे पहले नाम लगभग 1208 ईसा पूर्व में मेरिप्टा स्टेल में पाया जाता है, जो प्राचीन मिस्र का एक शिलालेख है। आधुनिक पुरातत्व विज्ञान के अनुसार भी प्राचीन इजरायली संस्कृति पहले से मौजूद कैनानी सभ्यता के विकास के रूप में विकसित हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम के वंशजों को कैनान में बसने से पहले सैकड़ों वर्षों तक मिस्रवासियों ने गुलाम बनाया था। महत्वपूर्ण लेवेंटाइन कॉरिडोर, जो कि उत्तर पश्चिम में भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्व में रेगिस्तान के बीच अपेक्षाकृत संकरी पट्टी है जो अफ्रीका को यूरेशिया से जोड़ती है, के हिस्से के रूप में विकास से अफ्रीका से बाहर प्रारंभिक मनुष्यों को नेटिफियन संस्कृति यानी 2000 ईसा पूर्व कैनानी सभ्यता के विकास के साथ कांस्य युग के अंत में मिस्र द्वारा गुलाम बनाए जाने तक के पहले के उदय का गवाह है। लेवेंटाइन कॉरिडोर अफ्रीका और यूरेशिया के बीच आवाजाही का प्रमुख भूमि मार्ग है। यहूदियों और इजराइल के इतिहास की उत्पत्ति दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जब इजराइली दक्षिणी कैनानियों के रूप में उभरे थे। ये कैनानी लोग ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग के दौरान भूमध्य सागर, आज के आधुनिक इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान और तटीय सीरिया के पूर्वी तट पर प्राचीन लेवांट के स्वदेशी लोग थे।
वे लोग हिब्रू से संबंधित सेमेटिक भाषा बोलते थे। पुरातात्विक रिकॉर्डों के अनुसार जो संस्कृति बाद में इजराइल और यहूदा के राज्यों में विकसित हुई वह प्रारंभिक लो युग यानी कि 1200 से 1000 ईसा पूर्व में ब्रॉन्ज एज की कनानी संस्कृति से एक ही समय में ऐसी परिस्थितियों में विकसित हुई जैसी परिस्थितियों में एदोम, मोआब, अराम के पड़ोसी राज्यों और फिलिस्तीनी और फिनिशियन राज्यों में हुई थी। मध्य ब्रॉन्ज एज के अंत में मिस्र में नील डेल्टा को कनानियों द्वारा बसाया गया था जिनके कनान के साथ घनिष्ठ संबंध थे। इस अवधि के दौरान कनानी एशियाई मूल के राजवंश हिक्सोस ने निचले मिस्र के अधिकांश हिस्से पर 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उखाड़ फेंकने से पहले शासन किया था। हिक्सोस संभवतः विदेशी भूमि के शासकों के लिए मिस्र का एक शब्द है। सेलेटस पहला हिक्सोस राजा था जिसने निचले मिस्र को अपने अधीन किया और उस पर शासन किया और 15वें राजवंश की स्थापना की। खामुदी मिस्र के 15वें राजवंश का अंतिम हिक्सोस शासक था जिसने अपनी राजधानी अवारी से मिस्र के उत्तरी हिस्से पर 1541 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1534 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। जब सेकेनरे और कामोस के तहत थेम्बस ने विद्रोह करना शुरू किया तो हिक्सोस राजा एपोप्सिस ने कुश के शासकों के साथ लगभग 1650 ईसा पूर्व में असफल गठबंधन बनाने की कोशिश की थी। ये थेबन विद्रोह कामासोस के तहत उत्तर की ओर फैल गया और लगभग 1521 में अवारिस 18वें राजवंश के संस्थापक अहमोज वन और उसके उत्तराधिकारियों के अधीन आ गया जिससे मिस्र पर हिक्सोस का 108 वर्षों का शासन समाप्त हो गया। लेट ब्रॉन्ज एज यानी 1457 ईसा पूर्व में थुटमोस थ्री फेरों की कमान में मिस्र की सेना ने मैगदिदो की लड़ाई में कादेश के राजा के नेतृत्व वाले कनानी राज्यों के गठबंधन को हरा दिया। कांस्य युग के अंत में मध्य पूर्व में सभ्यता के पतन का दौर था। कनान में अराजकता फैल गई और मिस्र का नियंत्रण समाप्त हो गया था। इस बात के प्रमाण हैं कि हजोर, बिटसियान, मैगदिदो, एस्क्रॉन, इसदुद और एस्कलन जैसे केंद्र शक्तिग्रस्त या नष्ट हो गए थे। यह वह समय था जब एजियन दुनिया के लोग प्रकट होते हैं जो लोहे के हथियारों और उपकरणों का प्रयोग कर रहे थे जो पहले के कांस्य हथियारों से बेहतर थे। इसी समय पलिस्ती लोग जो एजियन दुनिया से आए थे और प्राचीन कनान, यहूदा और इजराइलियों के राज्य के दक्षिणी तट पर बस गए। ये एजियन दुनिया से आए प्राचीन लोग जो लो युग के दौरान कनान के दक्षिणी तट पर रहने लगे आगे चलकर पलिस्ती कहलाए। इन पलिस्तीनियों की उत्पत्ति एजियन दुनिया से एक अप्रवासी या हमलावर समूह के रूप में हुई थी जो कांस्य युग के पतन के दौरान लगभग 1175 ईसा पूर्व कनान में बस गए थे। यहाँ एजियन दुनिया एजियन सागर के आसपास ग्रीस क्षेत्र की कांस्य युग की सभ्यताओं के लिए एक सामान्य शब्द है। ऐसा अनुमान है कि इन समुद्री लोगों ने कांस्य युग यानी 1200 से 900 ईसा पूर्व के अंत में पूर्वी भूमध्य सागर के आसपास की यात्रा की थी और एनातोलिया, सीरिया, फिनिशिया, कनान, साइप्रस और मिस्र पर हमला किया था। इन समुद्री लोगों का विवरण मिस्र के इतिहास में उपलब्ध है जिन्हें कांस्य युग के पतन के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। इजिप्ट के तीन महान फेरों सम्राट जिन्होंने समुद्री लोगों पर अपने संघर्षों और जीतों को दर्ज किया है वे हैं रामोसस दो, उनके बेटे और उत्तराधिकारी मेरेनप्ता और रामेसस थ्री। 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मूसा के नेतृत्व में इजराइल के लोगों को मिस्र की गुलामी से मुक्ति मिली थी। इजराइली सिनेई रेगिस्तान तक पहुंचते हैं और वहां यहोवा मूसा को सिनाई पर्वत पर बुलाते हैं जहां वह स्वयं लोगों के सामने प्रकट होते हैं। यहोवा 10 आज्ञाएं और मोजेक वाचा स्थापित करते हैं। इजराइलियों को उनके टोरा अर्थात कानून या निर्देश का पालन करना है और बदले में उन्हें कनान देश दिया गया। यहूदी लोगों का इतिहास, लचीलेपन, फैलाव, विभिन्न सभ्यताओं में योगदान और इजराइल की भूमि से गहरे संबंध द्वारा चिन्हित है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।
इसराइल के इतिहास में सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक अनुभवों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री शामिल है जिसने सहस्त्राब्दियों से यहूदी पहचान को आकार दिया है। यहूदियों और इसराइल का इतिहास एक लंबी और विविध कथा है जो हजारों वर्षों तक फैली हुई है। यहाँ इतिहास की कुछ प्रमुख अवधियों और घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। पहला है प्राचीन इसराइल का इतिहास जो 2000 से 1050 BC तक फैला हुआ है। इसराइल की भूमि पर मूल रूप से घुमंतू शिकारियों का निवास था जो संभवतः मेसोपोटामिया से आए थे, लेकिन प्रारंभिक कांस्य युग यानी कि 3300 से 2000 ईसा पूर्व तक वो कृष बन गए थे। इसी अवधि में 2100 ईसा पूर्व के आसपास बेबिलोनियाई शहर उर यानी इराक में यहूदी कुलपिता अब्राहम का जन्म हुआ और 2000 ईसा पूर्व में इब्राहिम को ईश्वर द्वारा इसराइल की भूमि का वादा किया गया था। 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिक्सोस यानी कैनानी राजवंशों ने मिस्र में नील डेल्टा पर शासन किया था और फिर कैमोस और एमोस प्रथम के तहत थेबोन विद्रोह द्वारा उन्हें उखाड़ फेंका गया। सन 1457 ईसा पूर्व में फिरौन थुटमोस III की कमान के तहत मिस्र की सेना ने मेगदिदो की लड़ाई में कादेश के राजा के नेतृत्व वाले कनानी राज्यों के गठबंधन को हरा दिया। दूसरा है इसराइल और यहूदा का साम्राज्य जो 1050 से लेकर के 585 BC तक था। इस अवधि की मुख्य घटनाएं हैं संयुक्त राजशाही यानी लगभग 1050 ईसा पूर्व से 930 ईसा पूर्व तक शॉल, डेविड और सोलोमन ने इसराइल के संयुक्त राज्यों पर शासन किया था। सोलोमन के बाद लगभग 1930 ईसा पूर्व में इसराइल का यूनाइटेड किंगडम का विभाजन हो गया जो इसराइल के उत्तरी साम्राज्य और यहूदा के दक्षिणी साम्राज्य में बट गया। इसी समय के आसपास फिलिस्तीनी, जिनको वर्तमान फिलिस्तीनियों के सबसे पहले ज्ञात पूर्वज माना जाता है, वो जाफा, अशदोद, अस्कलोन, गाजा और राफिया जैसे केंद्रों में रहते थे और उनका एक अलग साम्राज्य था। आप चिंता ना करें, हम आने वाले एपिसोड में इनमें से प्रत्येक टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तीसरा मुख्य काल है बेबिलियन निर्वासन और फारसी काल जो लगभग 586 ईसा पूर्व से 538 ईसा पूर्व तक था। इस अवधि के दौरान बेबिलोन्स द्वारा यरूशलेम में पहले मंदिर का विनाश किया गया और यहूदी लोगों को बेबिलोन से निर्वासित किया गया जिसे बेबिलोनियन निर्वासन कहते हैं। लेकिन लगभग 50 साल बाद सायरस महान के अधीन फारसियों ने यहूदियों को यरूशलेम लौटने और मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दे दी थी। चौथा इतिहास कालखंड है दूसरा मंदिर काल जो कि 538 ईसा पूर्व से लेकर के 70 सामान्य काल तक है। इस काल में यहूदियों द्वारा यरूशलेम में दूसरे मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। 140 ईसा पूर्व से लेकर के 4 वर्ष ईसा पूर्व तक हास्मोनियन डेंसिटी और हेरोडियन राजवंश ने इसराइल पर शासन किया था। 70 ईस्वी में रोमन ने इसराइल पर कब्जा कर लिया और अंततः दूसरे मंदिर का विनाश कर दिया। पांचवा कालखंड है प्रवासी और रबीनिक यहूदियों का जो 70 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चला। इस काल में पूरे रोमन साम्राज्य और उसके बाहर यहूदियों का फैलाव हुआ। इसी समय के दौरान मिशना और तलमूड के संकलन के साथ रबीनिक यहूदी धर्म का विकास हुआ। यहूदी समुदाय बेबिलोन, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप जैसे स्थानों में स्थापित हो गए। छठा है मध्य युग जो 5वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक चला। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच इस्लामिक स्वर्ण युग की अवधि में यहूदी समुदाय इस्लामी दुनिया में खूब फूले फले, उन्हें दर्शन, विज्ञान और साहित्य में खूब योगदान भी दिया। इस समय तक इस्लामिक दुनिया और यहूदियों के बीच कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध और स्पेनिश धर्मांतरण के कारण यहूदियों को कई बार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। सातवां है पुनर्जागरण और ज्ञानोदय जो 15वीं से 18वीं शताब्दी तक चला। इस काल की प्रमुख घटनाएं हैं 15वीं शताब्दी के शुरू में यूरोप में यहूदी समुदाय को भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और उन्हें स्पेन से निष्कासित भी कर दिया गया था। इसी समय पर यूरोप के अंदर यहूदी अपने अधिकारों और अवसरों की बात करने लग गए थे।
आठवां है 19वीं शताब्दी और जैनिज्म का उदय। जैनिस्ट मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय मातृभूमि की स्थापना की वकालत करना था, और इसी के मद्देनज़र सन 1897 में थियोडोर हर्जल द्वारा पहली जियोनी कांग्रेस बुलाई गई। नौवां है विश्व युद्ध और यहूदियों के लिए प्रलय। इस काल की प्रमुख घटनाओं में यहूदियों को यूरोप में भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करने की वजह से नाजियों द्वारा 6 मिलियन यहूदियों की व्यवस्थित तरीके से हत्या कर दी गई। प्रलय की इस भयावहता ने इजराइल राज्य की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्राप्त किया। दसवां है इजराइल राज्य की स्थापना 1948 से लेकर के 2022 तक। इजराइल ने 1948 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जिससे पड़ोसी अरब राज्यों के साथ संघर्ष शुरू हो गया। इजराइल राज्य की स्थापना के बाद नरसंहार से बचे लोग मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और इथियोपियाई देशों से इजराइल में आने लगे। इजराइल आज भी भू राजनीतिक चुनौतियों और फिलिस्तीनियों के साथ शांति प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। और ग्यारहवें है वर्तमान स्थिति, जो अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध के साथ शुरू होती है। हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद और गाजा पट्टी पर इजराइल सेना के जवाबी हमले ने तृतीय विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। मैं आने वाले एपिसोड्स में इजराइल के इतिहास के सभी टाइम पीरियड को उनके कारणों सहित विस्तृत तरीके से कवर करने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। सुरक्षित एंड स्वस्थ रहें।